चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग बैल सर, ये जो क्या बोलते हैं, जितने भी संगठनों में आपने काम किया, संगठनों में काम किया, कभी कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ आपको कि भाई ये संगठन है, इनको सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए और इनको एक संघ की परिकल्पना में आ जाना चाहिए, बात नहीं बन रही है? तो इसके बारे में आपने क्या विचार उस समय आपके मन में आई, आप आ रहे हैं? देखिए सुधीर जी, सबसे पहले तो आपको जय भीम नमो बुद्धाय और जय संविधान। मैंने जब बाबा साहब के बारे में पढ़ना शुरू किया था और समझना शुरू किया था, तो मुझे लग रहा था कि भी जो भी संगठन बाबा साहब के प्रति काम कर रहा है वो उतना ही कमिटेड है जितना मैं कमिटेड हूँ। तो के ता जब भी किसी ने मुझे संगठन के अपने अंतर्गत बुलाया और कहा कि देखो जी, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए, बाबा साहब का छोड़ा हुआ अधूरा काम पूरा करने के लिए हम अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, तो मैंने कभी ये सोच कर के भाई ये करेंगे कि नहीं करें ऐसा मैंने सोचा नहीं, ना मेरे दिमाग में कभी आया। मैंने तो ये समझ लो आंखें बंद करके उनको साथ सहयोग दिया और उनके ऊपर ये विश्वास किया कि यस, ये लोग बाबा साहब का जो अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये महसूस होना शुरू हुआ कि भाई मैंने जो महसूस किया कि भाई मोस्टली जो संगठन है जिनमें मैंने काम किया, सबसे ज्यादा काम मैंने बामशेत में किया, मूलवासी संघ में किया, फिर जे समाज निर्माण संघ बना था दिल्ली में उसमें भी मैंने काम किया, फिर जे आवाज का है जो मुसाफिर जी का आपके वो संगठन में जहां आए भी थे एक बार जूम मीटिंग में, तो जे सारे लोगों को जब मैं मूल्यांकन करता हूँ, नापतोल करता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये फंक्शनों तक ही सीमित रह गए हैं। ये हमारा जो बाबा साहब का जो कारवां है उसको आगे ले जाने के लिए, जहाँ बाबा साहब का जो अधूरा सपना है उसको पूरा करने के लिए, जहाँ बाबा साहब का अधूरा जो मिशन काम जा रह गया है उसको पूरा करने के लिए ये कोई ज्यादा प्रयास नहीं कर रहे, तो बहुत बड़े पैमाने पे मैं इस निराशा से कि भाई अगर हम फंक्शनों तक ही सीमित रह गए, अगर हम सरमोनियली बाबा साहब का जन्मदिन मनाते रहे, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाते रहे और जो बाबा साहब के साथ जुड़ी हुई बहुत सी क्या कहते हैं इंसिडेंट्स हैं, जैसे पूना पैक्ट है, फिर बाबा साहब की जो लड़ाई है, सत्याग्रह है बाबा साहब के, इनको ही मनाते रहे, तो क्या बाबा साहब ने इन्हीं चीजों के लिए काम किया था? तो मेरे दिमाग में ये थोड़ी सी परेशानी हुई, और क्योंकि मैंने बहुत शुरू से ही मेरे साथ सोचनाम जी जो IRS थे वो उनका मेरे पास काफी प्रभाव था और उनसे मैंने ये कहता रहा कि भाई अब कब तक हम ऐसे चलेंगे। तो आज से कोई 6-7 साल पहले हमने तो 6-7 पहले हमने मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था और हमने एक प्रयास भी किया था कि भाई जे सारे जो संगठन हैं जो टूट के एक से अलग अलग होते जा रहे हैं, एक दूसरे से टुकड़ों में बंटे जा रहे हैं, इनकी यूनिफिकेशन हो जाए तो हम बहुत बड़ा एक संगठन बनाएं और उसकी जो शक्ति होगी, उसके अंदर जो लोगों का अन्न प्रदान होगा, उससे बहुत बड़ा हम तब्दीली ला सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ नहीं है, इसीलिए मैं किसी की निंदा नहीं करता, सारे लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम काम करने के लिए काम ना करें, हम काम की कोई चीज अचीव करने के लिए करें कि हमें क्या अचीव करना है। मान लो मैं मुझे
पांच 5,000 मील दूर जाना है, तो कम से कम मैं साल के बाद ये तो करूं कि हजार मील आ गया हूँ, दूसरे साल करूँ 2,000, कि भाई एक दिन मैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन अभी मुझे इन सभी संगठनों में कोई ऐसी उम्मीद नजर नहीं आती कि भाई बाबा साहब का अधूरा सपना या बाबा साहब का अधूरा काम पूरा करने में कोई भी ये संगठन कामयाब हो जाएगा, ऐसा लगता नहीं। धन्यवाद। अनम्यूट करिए अपने आपको। आपने जो उनको सबको इकट्ठा करने के लिए कहा, सबको इकट्ठा होने के लिए बात हुई, उसमें बेसिकली जो सबसे नकारात्मक चीज क्या आई, क्या कारण रहे कि वो सारे इकट्ठे नहीं हो पाए, या इकट्ठा होने में असफलता रही या नहीं हो पा रहे हैं, वो कौन से खास कारण हैं? बैल सर, मुझे मैं पूरा तो नहीं कह सकता कि भाई मैं कंप्लीटली जाने या जानता हूं कि भाई क्यों हुआ, लेकिन जो बाहर से मुझे या ऊपर से जो मुझे दिखाई दे रहा है वो एक ही था कि जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन में काम करने के लिए आए वो केवल काम करने के लिए ही नहीं, वो अपनी ईगो को पूरा करने के लिए, अपने अहंकार को पूरा करने के लिए, जहाँ अपनी क्या कहते हैं, अपने अपनी जो उनके अंदर है अपनी एक इच्छा है उसको पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो मिशनरी भाव से और बाबा साहब के काम को पूरा करने के लिए इस मिशन में आते तो मुझे लगता है कि भाई जैसे आज तक मैं लगा हुआ हूं कि कोई किसके मैं पीछे खड़ा हुआ, किसके आगे खड़ा हुआ, किसके साइड पे खड़ा हुआ, किसी ने मंच पे बिठाया, किसी ने नहीं बिठाया, इन चीजों को छोड़कर मेरा काम काम करने से मतलब था, बाबा साहब के इस कारवां को आगे ले जाने के लिए था। ये मुझे उनके अंदर में जो बेसिक प्रिंसिपल था कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर का जो कारवा पूरा करना है वो मुझे दिखाई नहीं दिया, इसलिए ये सारे फेल हो गए। और फिर ये भी हुआ कि क्योंकि जब एक संगठन बनता है तो संगठन में एक प्रेसिडेंट बन जाता है, एक वाइस प्रेसिडेंट बनता है, एक कैशियर बनता है, उसमें फिर पैसा आना शुरू हो जाता है। तो अब हमारे लोगों के बीच में जब आपके पास कोई पैसा नहीं होता तो आप जब पैसा आना शुरू हो जाता है तो वो पैसे का भी एक गुरूर होता है, वो पैसे के गुरूर की वजह से भी हम पैसे की तरफ ज्यादा देखना शुरू कर दिया। और इसकी जो मिशन था, जो हमारा एक्चुअली काम था जिसके लिए हम जुड़े थे, वो काम हमने अधूरा छोड़ दिया। बहल सर, अब जो जैसे कि अब एक नया जो यहाँ दिखाई दे रहा है लोगों में जोश सा, क्योंकि पुराना जो समर संघ है उसमें ये बुराइयां पहले थी नहीं, और अभी उसको अच्छी तरह से स्टडी करके, देखभाल करके, और उसके नियमों को सब संघ बना रहा है दोबारा से, और चल रहा है और ऑलमोस्ट बन भी चुका है। तो इसमें आपको कहीं लगता है कि अभी कुछ और इसको ठीक ठाक करने की आवश्यकता है, या इसको ऐसे चलें, या लोगों में इस तरह का क्या रुझान आ रहा है जो आप यहाँ पिछले 8 महीने से लगातार आ रहे हैं, और दिन रात आप 4-4 घंटे 3-3 घंटे दे रहे हैं, तो क्या चीज आपको इसमें दिखाई दे रही है कि शायद पुरानी वाली में, और जो नया तरीका जो अब लोगों को दिखाई दे रहा है उसमें क्या उम्मीद दिखाई दे रही है? देखिए, जब से मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और आप लोगों के बीच में बातचीत करना शुरू किया है तो तब से मुझे ये लग रहा है कि भाई बहुत सी चीजें जो गलतियां हुई, जहां मतलब बहुत सी चीजें डायरेक्शन हमने गलत ली दूसरे संगठनों में, कम से कम ये समन संघ का जो संघ है इसने काफी उसमें सुधार ऑलरेडी कर रखा है। लेकिन मैं फिर इस बात को कहूंगा कि हमें इस पे सीमित नहीं हो जाने चाहिए, और भी जितने हम सुधार इसमें कर सकते हैं हमें करने चाहिए। लेकिन जिस
फॉर्मेट को आपने सेट किया है कि भाई हम जहां किसी के लिए फूलमाला नहीं होगा, मंच नहीं होगा, जहां किसी का कोई प्रेजेंट नहीं होगा, जहां कोई नेताबाजी नहीं होगी, हम पैसा नहीं लेंगे, पैसे की बिगाड़ करेंगे, ये बहुत अच्छे प्रिंसिपल हैं जिनको, जो मुझे अच्छे लगते हैं। हालांकि मैं जितने भी संगठनों में काम किया, मुझे कोई पैसा देने में कभी दिक्कत आई नहीं, लेकिन मैं उनसे ज्यादा आपके संगठन को इसलिए महत्ता नहीं देता कि भाई आप पैसा नहीं लेंगे मेरे से, मैं इसलिए देता हूं कि ये प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल्स हैं जिनके बलबूते पे हम छोटे से छोटे, अमीर गरीब, पढ़े लिखे अनपढ़, सभी को जोड़ सकते हैं। उनके अंदर ये नहीं रहेगा कि भाई वो मेरा प्रेजिडेंट है, वो मंच पे बैठा है, मैं नीचे बैठा हूँ, और मैं कितने सालों से नीचे बैठ रहा हूँ और वो मंच पे ही रहता है। तो ऐसी जो मैंने देखी है कि हमारे लोगों के बीच में ये एक बहुत बड़ा समस्या रहती है कि भाई जो लोग काम करते हैं, जो लोग चेहरे लगाते हैं, तपरिये लगाते हैं, जो पंडाल सजाते हैं, उनको कभी पंडाल के ऊपर या मंच के ऊपर बैठने का समय नहीं मिलता, जहाँ मौका नहीं मिलता, तो वो थोड़े निराश हो जाते हैं। आपके अंदर ये जो आपने जो कॉन्सेप्ट लिया है कि भाई हम जहाँ इकट्ठे तो होंगे, लेकिन किसी एक के ऊपर कोई उसका बोझ नहीं होगा, हम पैसा नहीं लेंगे, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन इसको अगर हम मेंटेन कर पाए, मुझे जो एक ही चिंता है कि अगर हम इसको मेंटेन कर पाए तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम दूसरे संगठनों की वजह तरह इसमें भी हमारे अंदर कुरीतियां पैदा होनी शुरू हो गई, जहां ऐसे लोग इसमें इंटर कर गए जो इसको तोड़ने में ज्यादा जोर लगाएंगे राधा धन जोड़ने में, पीछे खींचने में ज्यादा जोर लगाएंगे राधा धन आगे बढ़ाने के लिए, तो हमें थोड़ा सा इसके ऊपर प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। वरना आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया है, और मैं समझता हूँ इस कॉन्सेप्ट के पैरेलल मैंने आज तक कोई कॉन्सेप्ट किसी भी और संगठन का देखा नहीं है। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Gacchami.
Sangam Sarnam Garchami.